हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल माय ड्रीम होम में। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लाए हुए हैं जिसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, और दूसरी बार बनाने का रीज़न ये है कि इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की ओर। और ये प्रोजेक्ट आता है बदलापुर ईस्ट में जोवेली के यहाँ पर। आज हमने बदलापुर खरवई नाका से वीडियो बनाने की शुरुआत की है ताकि आप प्रोजेक्ट तक पहुंचने का डिस्टेंस भी देख सको और साथ ही आप रोड भी देख सको, जो कि पूरे ही कॉन्क्रीट रोड है, और साथ ही आप प्रोजेक्ट के आसपास का क्लाइमेट भी देख सको। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। हमने इस वीडियो में प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल देने की कोशिश की है, और इसके अलावा अगर और कुछ डिटेल आपको चाहिए होगी तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ की वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि सारे ही कमेंट्स के हम जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकें। और बात करें प्रोजेक्ट तक पहुँचने के डिस्टेंस की, तो ये बदलापुर स्टेशन से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये रहा वो प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम है शिव शक्ति ग्रीन। तो आप देख सकते हो 12 फ्लोर का ये टावर पूरा बनकर रेडी हो चुका है, और जैसे ही हमने शुरुआत में बताया था यहाँ पर पोजीशन मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे शॉप्स भी अवेलेबल हैं, और आगे हम आपको प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ और नियर बाय लोकेशंस के बारे में भी बताएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से प्रोजेक्ट का एंट्रेंस शुरू होता है, और यहाँ सामने से ही पार्किंग स्पेस भी स्टार्ट होता है, और यही राइट साइड में ही प्रोजेक्ट का एंट्रेंस लॉबी है। इस साइड से भी हम आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट पूरा बनकर रेडी हो गया है। तो आइए अभी हम बढ़ते हैं एंट्रेंस लॉबी की ओर। यहाँ पर एंट्रेंस पर आपको फुल ग्लास डोर दिया हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव एंट्रेंस लॉबी यहाँ पे बनाई हुई है। एंट्रेंस लॉबी की सीलिंग झूमर और एलईडी लाइट से डिज़ाइन की हुई है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और आगे हम आपको 2 BHK और 1 BHK सैम्पल फ्लैट दिखाएंगे, जो कि एक्चुअल फ्लैट है, और साथ ही साथ हम आपको टेरेस व्यू भी दिखाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पैसेज एरिया की ओर। आप देख सकते हो आपको काफ़ी बड़ा पैसेज एरिया यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हर फ्लोर पे 14 फ्लैट्स दिए हुए हैं, जिनमें 1 BHK और 2 BHK इंक्लूड्स है, और साथ ही यहाँ पे आपको 3 लिफ्ट प्रोवाइड की हुई है। लिफ्ट के लिए और पैसेज एरिया की लाइट के लिए यहाँ पर पावर बैकअप की फैसिलिटी भी दी हुई है। फर्स्ट लिफ्ट की थोड़ी ही दूरी पर आप सेकेंड लिफ्ट भी देख सकते हो, और ठीक उसी के अपोजिट में आप थर्ड लिफ्ट भी देख सकते हो। और साथ ही साथ ये पूरा प्रोजेक्ट 24 आवर्स CCTV सिक्योरिटी कैमरा कवर रहेगा, और साथ ही यहाँ पर लिफ्ट के साइड में ही स्टेयरकेस भी दिया हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 2 BHK सैंपल फ्लैट की ओर। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत और स्पेशियस सैंपल फ्लैट यहाँ पर रेडी है, जो कि एक्चुअल फ्लैट है, और सेम इसी तरह से आपको आपका फ्लैट भी बनकर मिलेगा। ये जो स्लाइडिंग विंडो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये पाउडर कोटेड एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो है, और विंडो फ्रेम पूरी ग्रीन मार्बल से बनाई हुई है। तो आइए फर्स्ट हम गैलरी देख लेते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस गैलरी आपको प्रोवाइड की हुई है हाफ ग्रिल के साथ में। यहाँ पर आपको कुछ फ्लैट से गार्डन व्यू और कुछ फ्लैट से फॉरेस्ट व्यू देखने मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ लिविंग रूम में ही गैलरी प्रोवाइड की हुई है, और आप जो ये व्यू देख रहे हो ये गार्डन व्यू है। आप देख सकते हो लिविंग रूम में आपको सीलिंग भी बनकर मिल रहा है। और बात करें लिविंग रूम एरिया की, तो 9x13.9 स्क्वायर फुट एरिया का लिविंग रूम यहाँ पर आपको बनकर मिल रहा है, और इस फ्लैट में पैसेज एरिया भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं किचन की ओर। यहाँ पे एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि 8.2x8.10 स्क्वायर फिट में है, और साथ ही किचन में आपको अप टू बीम बॉटम टाइल्स कवर करके दिया हुआ है।
और साथ ही यहाँ पे किचन में पोर्टवाला भी अवेलेबल है और किचन प्लेटफॉर्म के साइड में ही स्पेस भी दिया हुआ है जो कि आप अपना फ्रिज रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं कॉमन बाथरूम की ओर। आप देख सकते हो फुल टाइल्स कवर कॉमन बाथरूम यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही यहाँ पर टैंक बिठाने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की ओर। 11x9.2 स्क्वायर फीट एरिया का मास्टर बेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी यहाँ पे दी हुई है। और बात करें मास्टर बेडरूम के बाथरूम की तो कॉमन बाथरूम की जैसे ही यहाँ पर भी फुल टाइल्स कवर करके बाथरूम में दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको टैंक बिठाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड बेडरूम की ओर। 9x12.3 स्क्वायर फीट एरिया का सेकेंड बेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो प्रोवाइड की हुई है और इस बेडरूम के विंडो से आप काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन व्यू भी देख सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं 1 BHK सैम्पल फ्लैट की ओर। आप देख सकते हो 2 BHK सैम्पल फ्लैट की जैसे ही यहाँ पर भी लिविंग रूम में सीलिंग डेकोरेट करके मिल रहा है और जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था हर फ्लैट के लिविंग रूम में गैलरी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप देख सकते हो इस फ्लैट में भी लिविंग रूम में गैलरी दी हुई है। और बात करें इस फ्लैट के लिविंग रूम एरिया की तो 9x13.9 स्क्वायर फीट एरिया का लिविंग रूम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं किचन की ओर। आप देख सकते हो यहाँ पर किचन के साइड में स्पेस छोड़ा हुआ है जो आप अपने फ्रिज रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो मार्बल प्लेटफॉर्म विथ स्टेनलेस स्टील सिंक प्रोवाइड किया हुआ है और साथ ही यहाँ पर एक और छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जो कि आप अपने किचन एक्सेसरीज रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी किचन में आपको पोर्टमाला दिया हुआ है। और बात करें किचन एरिया की तो 6x9.8 स्क्वायर फीट एरिया का किचन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं बाथरूम की ओर। आप देख सकते हो फुल टाइल्स कवर करके बाथरूम दिया हुआ है और टैंक के लिए भी स्पेस छोड़ा हुआ है और साथ ही यहाँ पे वॉश बेसिन भी बाथरूम में ही प्रोवाइड किया हुआ है। तो आइए अभी हम बढ़ते हैं बेडरूम की ओर। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है और फर्स्ट यहाँ हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। ये जो बेडरूम है ये मास्टर बेडरूम है और ठीक कॉमन बाथरूम के जैसे ही यहाँ पर भी बाथरूम में फुल टाइल्स कवर करके दिया हुआ है और साथ ही यहाँ पर भी टैंक बिठाने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो प्रोवाइड की हुई है। बेडरूम की विंडो से काफ़ी सुंदर सा व्यू देखने मिलता है। और बात करें इस बेडरूम एरिया की तो 10.6x10.10 स्क्वायर फीट एरिया का बेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है और जैसे कि हमने आपको बताया था हम आपको टेरेस व्यू भी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा व्यू इस प्रोजेक्ट के टेरेस से आपको देखने मिलेगा। जब तक आप टेरेस व्यू देख रहे हो साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं लोन प्रोजेक्ट एमिनिटीज़ और नियर बाय लोकेशंस की। तो इस प्रोजेक्ट में आपको 90% तक का लोन करके मिलेगा और 10% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और बात करें इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की तो यहाँ पर आपको एम्पल पार्किंग स्पेस, लैंडस्केप गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गजीबो, जॉगिंग ट्रैक, जिम एरिया, डेकोरेटिव एंट्रेंस लॉबी, टेंपल इन प्रिमाइस, फायर प्रोटेक्टिंग सिस्टम एज पर फायर नॉर्म्स, पावर बैकअप फॉर लिफ्ट, कॉमन लाइट्स एंड वाटर पंप और 24 आवर्स CCTV सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ है। और बात करें नियर बाय लोकेशंस की तो यहाँ से सबसे नज़दीक में कोंडेश्वर टेम्पल आता है, माथेरान भी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, लोनावला और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजीली पहुंच सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ की वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। गुड बाय।